नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर दिन भर। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व योग दिवस के मौके पर राजस्थान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट के साथियों के साथ योग किया। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में अलग अलग योग क्रियाएं करते नजर आए। वहीं पाकिस्तान से सटे बॉर्डर एरिया में सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने योग के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया। जोधपुर में एक ग्रुप की ओर से अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों के सामने योग पिरामिड बनाए गए। भरतपुर में सबसे अनोखा योग किया गया, यहाँ स्विमिंग पूल के अंदर लोगों ने ध्यान लगाया। राजस्थान में प्री मानसूनी एक्टिविटी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। जयपुर, कोटा, नागौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा में सुबह 11 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। मौसम विशेषज्ञों के माने तो उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी भारत से आ रही नमी हवाली हवाओं से मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की और आंधी बारिश होने की संभावना है। झालावाड़ जिले में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर में विभिन्न संस्थानों और संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिला सहित युवाओं ने भी उत्साह के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह महिला सशक्तिकरण के लिए योग विषय थीम पर शहर के विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल परिसर में आयोजित किया गया। इसमें डीएम, एसपी, कई जिला स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। किसानों की कुर्की नीलामी रोकने और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज मुख्यमंत्री के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान सभा ने प्रतिनिधि ने बताया कि बैंकों द्वारा किसान कर्ज के मामलों में डीआरटी कोर्ट जयपुर में भेजा जा रहा है और जयपुर से कोर्ट से किसानों को नोटिस आ रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। पानी और बिजली की समस्या को लेकर शुक्रवार को नीमो थाना विधायक सुरेश मोदी और सीकर सांसद अमराराम ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्कामुक्की भी हुई। इससे पूर्व सीकर सांसद अमराराम और विधायक सुरेश मोदी ने कलेक्ट्रेट के बाहर सभा को संबोधित भी किया। सांसद अमराराम ने कहा कि भीषण गर्मी 45 डिग्री का रिकॉर्ड तोड़ रही है और सरकार बिजली काटने का काम कर रही है। पूरे राजस्थान में किसानों को, आम लोगों और कारखानों को जितनी बिजली चाहिए उससे 2 गुना बिजली राजस्थान में बन रही है, लेकिन बिजली देने की सरकार की नीयत नहीं है। रेल द्वारा रेल कर्मियों सहित आमजन के रेल यात्रा संबंधी अनुभव प्राप्त करने के लिए और उनके अनुभव के आधार पर रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल यात्रा वर्तमान पुरस्कार योजना अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तुत की है। इस योजना का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेल मंत्रालय और सभी भारतीय नागरिकों के लिए हिंदी भाषा में रेल यात्रा वर्तमान योजना 2024 के तहत रेल यात्रा के संबंधी अनुभव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदी में लिखित सर्वोत्तम रेल यात्रा वृत्तांतों के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में निम्नानुसार राशि प्रतिशत कर दिया जाएगा। जयपुर शहर के मसूर डी मार्ट और आईपर मार्ट में नकली घी बेचा जा रहा था। आज लगातार दूसरे दिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने अलग अलग सुपर मार्केटों में कार्रवाई की। इनमें शहर के 6 डी मार्ट पर 2700 लीटर से ज्यादा नकली घी बरामद हुआ। आज शहर के 7 अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को मालवीय नगर स्थित डी मार्ट में छापेमारी की गई थी, जहाँ 40 लीटर और 450 लीटर वैदिक ब्रांड की जब्त किया गया। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की देर रात एम्स में एडमिट किया गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती किया गया। शुक्रवार सुबह वापस जेल भेज दिया गया। इससे पहले सोमवार को आसाराम के सीने में दर्द की शिकायत की थी, इस पर जेल की डिस्पेंसरी में ईसीजी करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर एक बार इनकार कर दिया है। 21 जून को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई थी कि उसका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क पाए फेल हुए हैं, पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जाए। 8 जून को केस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग भी दो दिनों में आगे बढ़ाई जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पूर्व राज परिवार के सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वनाथ सिंह की ओर से अपनी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह एवं पुत्र अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ उपकरण अधिकारी के यहाँ संपत्ति एवं प्रमाण पत्र के पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर एसडीएम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में नहीं है। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए प्रार्थी को सिविल कोर्ट में दाव पेश करने के आदेश दिए। तो यह थी आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल इसी तरह की अन्य खबरों के साथ दोबारा रूबरू होंगे, तब के लिए नमस्कार।